नमस्ते लवली पीपल। मॉर्निंग गाइज, और आज हम करने वाले हैं काश्ता ड्रेसअप पे फोटोशूट, क्योंकि आज हम ट्राई कर रहे हैं। बहुत बड़ा ब्रांड है माशाल्लाह पुणे का जी। मेरी बेबी भी वो शूट करेगी, तो हम रैन को भी ट्राई करेंगे। तो एक्चुअली जो काश्ता साड़ीज होती है उस ब्रांड के साथ एक बहुत बड़ा फोटोशूट जो है उसकी एड मुझे मिली है, तो वो जो फोटोशूट है वो करना है। और हम मैंने इससे पहले कभी जो है काश्ता साड़ी जो लुक होता है वो नहीं क्रिएट किया, तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं। भाभी सेट कि आज हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या कमी रहती है, ताकि उस दिन फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ब्यूटिशियन वगैरह रहेगी, इशू नहीं होगा, और ब्रांड प्रमोशन है तो काफ़ी अच्छे जो है उनके कॉस्ट्यूम्स रहेंगे। ब्रांड अलाउ करता है या नहीं व्लॉग के लिए तो ठीक, अगर वो करते हैं तो मैं जरूर आपके साथ जो है डिटेल शेयर करूंगी। तो आज हम फर्स्ट टाइम तो मैं फ्रेंड को अभी जल्दी से फ्रेश करवाती हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट अब जो है काश्ता साड़ी वेयर करके पूरा लुक क्रिएट करके जो फोटोज क्लिक करेंगे वो भी हमें शेयर करनी है उनके साथ। तो नथनी, गजरा, जूड़ा, बैंगल्स, एक जो कंप्लीट लुक होता है उसमें क्या कमी है वो आप बताना, तो फिर हम जब हमारा फाइनल शूट रहेगा उसमें कुछ भी कमी नहीं रहने देंगे। ठीक है, चलो आगे दोनों चेंज करना है। वाय तो यहाँ पर श्री निकाल रही है काश्ता, इसको काश्ता बोलते ना श्री। ये मेरा वाला है और ये वाला श्री का है काश्ता, बहुत क्यूट है ये कलर्स। और ना ये वाला जो है मेरा ड्रेस है आँछों का, तो हम इसका दुपट्टा कुछ मैचअप कर रहे हैं हुरैन के लिए कि हम तीनों आज करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि जो आँछों का ये वाला ड्रेस है इसके दुपट्टे के साथ, क्योंकि पिंक और ग्रीन कॉम्बिनेशन है, मेरा ग्रीन और मरून कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ हम हुरैन का कुछ मैच करें ताकि हम तीनों का जो एक लुक हो जाए आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा फर्स्ट है लुक, मैंने फर्स्ट टाइम जो है उसको क्रिएट करूंगी विद नथ। नाइस ना हेयर स्टाइल करके, अपना ब्लश कम लग रहा ना। गाइस मेकअप डन हो गया है, हेयर स्टाइल बाकी है, इसका भी डन हो गया है, लिपस्टिक दोनों का है क्योंकि हमारा काश्ता वाड़ी काश्ता हमारा सेम है, वो प्रॉपर महाराष्ट्र स्टाइल है, पहली बार महाराष्ट्र स्टाइल में करने वाली है, फर्स्ट टाइम। आंटी आपको बस रेड लो नहीं मरून है ना, हम लोगों जो काश्ता है ये बॉटल ग्रीन विद मरून शेड है, तो इसके साथ मैं अपना वाला ब्लाउज वेयर कर रही हूँ। हाँ, राइट ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ट्राई करते हैं। और ये वाला है श्री का, ये पिंक है, पिंक के साथ कॉम्बिनेशन ग्रीन। मैचिंग गाइस, ब्लाउज का कलर फुल मैच हो गया है। मेकअप तो हमारा डन है, हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि गजरा नहीं है मेरे पास यहाँ पे, और जो मेरे हेयर बन थे वो मैं यहाँ पे पूरे प्रॉपर लाई हूँ, तो ट्राई कर रहे हैं कि बालों में कुछ करे, मेरे पास फ्लावर पड़े हुए हैं, अब देखते हो पीछे छुप जाएगा ना, तो ऐसा करके देखते हैं। आपके ही साथ खड़े चलो। हाय हाय, हमारी नथनी आ गई है गाइस, और हेयर स्टाइल के लिए गजरा नहीं है हमारे पास। अरे बाप रे, मेरे को बोलते तो मैं गजरा तो
क्या करूँ क्या करूँ क्या, मेरे को इधर उधर इधर उधर बहुत लंबा लग रहा है, आप जल्दी उधर शिफ्ट हो जाओ मेरे यहाँ। तो काम हो जाए उसके बाद ही होंगी। चलो जल्दी, मेरे को 3:30 बजे छोड़, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिलती, बहुत ढूंढ रही थी मैं तो, तब भी आती थी मैं। चलो फेशियल क्या करने का है, बस जूड़ा कर लेता था। चलो गाइस हमारा ब्यूटिशियन कमजोर है, हमारे पास गजरा नहीं है, चूड़ी नहीं है। तो अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हमारे पास चूड़ी और सब कुछ अरेंज हो गया है गाइस, आपको और मजा आएगा, कंटिन्यू बने रहना। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखो ये वाला हेयर स्टाइल किया है और अभी इस पे गजरा आना है, तो हाफ हो चुका है, मेकअप फुल है। गाइस मेरा पल्ला सेट हो रहा है, मम्मा हेयर कट और श्री ने लगाया है ये वाला क्या बोलते हैं कमर पट्टा। और मेरा अभी पल्ला सेट होने के बाद, वाओ फर्स्ट टाइम आई क्रिएट दिस लुक, सो एक्साइटेड। मेरा ब्लाउज देखो पूरा मैच हो गया है। मैं अभी दिस टाइम ये हम ऐसा लेंगे और मैं लूंगी पर्पल जो ब्लू शेड आता है ना वो, या फिर सेम ये ग्रीन कलर का काष्टा मुझे बहुत पसंद है। ये जो ये कॉस्ट्यूम है ना, वाओ लुकिंग क्यूट ना। अभी प्रेस भी नहीं, प्रेस करते तो और अच्छा लगता था। गाइस मैंने बताया ना हमारा जो ब्यूटिशियन है थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। गाइस हमने ये पहना है ज्वेलरी और ये है नथ और ये पीछे इयररिंग ऐसे है, थोड़ा ऊपर पहन के उसको एक मिनट नीचे आ जा रहे हाँ ऐसा चलो तो अच्छा लगता है। हमने थोड़ा इसको और प्रेस करके आए टेरिस पे और अब टेरिस से जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमें बैंगल्स और गजरा वेयर करके फोटो शूट करना है। भी लगा लिया है, दिखाती हूँ पूरा लुक दिखाती हूँ। और ये मैं बैंगल्स भी वेयर कर लिया है मैचिंग। से कैसे ये लगा रहे हैं गाइस, ये बचा है और फिर लेते हैं हमारा फोटो शूट अच्छा सा। एंड हाय ये भाभी ने किया है सब, ये काष्टा भी भाभी का है। जब वो फोटोज मुझे दिखाई थी ना उन्होंने एल्बम ने तब कहा था ये कलर बहुत प्यारा है। ये वाला लगाया, ये निकलने वाला है, कुकू वाला नहीं है। हम बिल्कुल से रेडी है, अभी हम करते हैं अपना फोटो शूट। अच्छा आएगा ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा वो हो रहा है। खत्म हुआ अपना फोटो सेशन किया है
बहुत अच्छे अच्छी फोटोज भी क्लिक हो गई है। और ये देखो इसका मी ये तो ना समोर घे आता मेरा हुरैन रह गया गाइस क्योंकि इसका मूड नहीं था। तो पार्सल वाले का कॉल आया है, अल्तमस से की ले, अल्तमस से की घर की, तेरे कपड़े भी वही है ना गाइस। मुझे अर्जेंट कॉल आ गया है, पार्सल्स आए हैं तो मैं वो दे रही हूँ और उसके बाद हम पार्सल में मिल रहे हैं। मैं जस्ट आई हूँ घर और मैंने लकी को ना कॉल किया कि मैंने ये लुक वेयर किया क्योंकि लकी थे नहीं, तो ही सेड कि बहुत प्यारे लग रहे ऐसे ही रहना। मैंने कहा अच्छा तो तुम आओगे लेट नाइट, मैं ऐसे कैसे रहूं। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। एक्चुअली हमने सीसीटीवी सब और करवाए हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आए हुए थे। जल्दी जल्दी चेंज करना है फिर बाहर जाना है, तो मैं अभी यही वाला पैर करके जा रही हूँ। व्लॉग पूरा देखना, बहुत मजा आएगा, हमने बहुत अच्छा फोटोशूट किया है, बहुत इंजॉय किया है, बहुत गड़बड़ में हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी। गड़बड़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि ना हमें फोटोशूट तो करना है, हमने फोटो क्लिक करने के लिए भी सोचा है कि बुलाते हैं, प्लस आज हमको बाहर अर्जेंट भी कहीं जाना है, उसका आज का लास्ट डेट है उस काम का, तो वो खत्म करना है। बहुत मुश्किलों के बाद ये खुल गया गाइस, मैं इसको ऐसे ही रहन देती हूँ और ड्रेस वेयर करती हूँ। तो आज हमने जस्ट ये जो काष्टा सारी लुक है ये ट्राई किया है, जो ब्रांड शूट रहेगा वो बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम हैवी ज्वेलरी हैवी मेकअप के साथ रहेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन एक आइडिया आ गया। तो अपना प्यार देते रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।